दोस्तों, मैं नूर सबा, आपका स्वागत है मेरे चैनल नूर जायका में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान और टेस्टी डिश बताने वाली हूँ, और जो कि बनने में बहुत ही कम वक्त लेती है और हेल्दी डिश है, रवा आलू पकौड़े। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल नूर जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको सूचना मिले। रवा आलू पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 आलू बॉईल किया हुआ, 200 ग्राम रवा, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ी हरी धनिया बारीक कटी हुई, 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा आम 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ, और अगर कच्चा आम नहीं है तो हम चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, 20 से 25 ग्राम दही, नमक स्वाद अनुसार और तेल फ्राई करने के हिसाब से। सबसे पहले हम एक बर्तन में रवा लेंगे और इसमें दही को डालकर इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि रवा दही में फूल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हमारा 10 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज, मैश किए हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, कटे हुए कच्चे आम, अदरक लहसुन का पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, नमक और हरी धनिया को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यह हमारा पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम एक बर्तन में तेल लेंगे और तेल के गर्म होने पर हम इस तरह से पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। हमें इस तरह से छोटा छोटा पकौड़ा बनाना है, ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और जल्दी फ्राई भी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हल्का लाल होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर पकने के बाद आप देखेंगे कि ये खूबसूरत सा पकौड़े का कलर ले रहा है, एकदम लाइट ब्राउन। इसे और थोड़ा पकाएंगे ताकि ये प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर ले ले। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, काफ़ी कुरकुरा बना भी है। इसे हम हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों, आप भी बनाइए, खाइए, और स्वाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।